अक्सर हम देखते हैं कि इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं कार्डियक अरेस्ट लेकर और पहले से पता चलता है कि उन्हें हार्ट की डायबिटीज़ था और चलने में दिक्कत थी, सांस फूलता था। तो ऐसे लोगों के लिए संदेश है कि आपको, जैसे आप डायबिटिक हैं या फिर नॉर्मल लोग भी, किसी को भी अगर दो फ्लोर सीढ़ी चलने में सांस फूलता है, एक फ्लोर के बाद अगर बोलते हैं कि नहीं, नॉर्मल आदमी के तुलना में अगर उनको सांस फूलता है, या फिर प्लेन रोड पर अगर 1 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, सीने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और चलने के बाद वो ठीक हो जा रहा है। तीसरा, अगर आपको अचानक से रात में सोते हैं, सोए हुए में आपको सांस फूलता है, फिर आपको उठकर बैठना पड़ता है, पसीना आता है, तो ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि मुझे हार्ट की बीमारी है और इमिडिएटली उसके लिए ECG या फिर आगे जो भी जांच है वो करवा कर ये कंफर्म करना चाहिए कि हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, और अगर ब्लॉकेज है तो उसके लिए एंजियोग्राफी जांच बिल्कुल करवाना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को यह डर लगता है कि एंजियोग्राफी नहीं करवाएंगे, अल्टीमेटली यही होता है, कार्डियक अरेस्ट लेकर आते हैं, हार्ट का फंक्शन बहुत ज्यादा हद तक गिर गया रहता है और उसके बाद एंजियोग्राफी भी होती है, एंजियोप्लास्टी भी करना पड़ता है, लेकिन वो रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 100 में 50 मरीज ऐसे जिंदा नहीं बचते हैं। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को, अगर जिनको चलने फिरने में सांस फूलता है, सीने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है चलने फिरने पर या एक्सर्शन करने पर, कई बार घर में औरतें झाड़ू लगाती हैं तो उसमें हांफ जाती हैं, तो ऐसे सारे लोगों को जरूर अपने कार्डियक प्रोफाइल की सारी जांच करवानी चाहिए ताकि कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सके।